नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं क्रिकेट शो। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 रन से करारी शिकस्त दी। ये मैच एक समय पूरी तरह पाकिस्तान के चंगुल में नजर आ रहा था, मगर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने, ऐसा कमाल दिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी चल नहीं पाई। भारत महज 119 रन पर ही सिमट गई। भारत के आगे आने वाले मुकाबलों पर और कितने विकल्प हो सकते हैं, ये भी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अगर भारतीय टीम कुछ चेंजेस करे तो क्या होगा। जैसे कि क्या यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह मिलनी चाहिए, या फिर ये कि क्या यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए। विकल्प ये भी है कि क्या विराट कोहली को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करानी चाहिए, या फिर क्या हार्दिक पांड्या को ऊपर बल्लेबाजी करते आना चाहिए, क्या शिवम दुबे को बाहर बैठना पड़ सकता है। ये तमाम विकल्प आगे आने वाले मैचेस में हो सकते हैं। आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। राजेश चौहान पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, राकेश राव वरिष्ठ खेल पत्रकार है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। आगे आप क्या विकल्प देख रहे हैं? आपने सुना होगा जो भी विकल्प हमने अपने दर्शकों को बताया, क्या वो चेंजेस हो सकते हैं आने वाले मैचेस में? वो दुबे जी की जगह पर यशस्वी को लिया जा सकता है, बाकी तो और कोई चेंजेस कहीं दिख नहीं रहा है। अब बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग लाइन चेंज करनी है, तो यशस्वी को कहाँ रखा जा सकता है, ये एक विकल्प वो ढूंढेंगे कि भाई क्या करें। तो वो कोहली को नीचे लाना है नहीं लाना है, ये टीम मैनेजमेंट का होगा। बट वो एक ही विकल्प है कि दुबे की जगह पे यशस्वी को लाया जाए। और राकेश जी, आपका क्या ख्याल है, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि अपनाया जा सकता है टीम में? देखिए, जहां तक कि ये जो अगले जो दो गेम्स जो हैं हमारे लीग के जो हैं फर्स्ट लीग वाले, उसमें मेरे ख्याल से किसी चेंज की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी ये जो टीम है, देखिए पहले जो हमारा पहला मैच हुआ उसमें तो सिर्फ 4 ही लोग हमको दिखे, उसमें भी शिवम तो खैर कुछ देर के लिए अंदर आए, तो इसका मतलब उनको हमने एक ही मौका दिया है। और उस मैच में तो कोई भी हमारे कम से कम 6 लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो बल्ले के साथ नहीं चले हैं, तो उसके ऊपर अब ये कहना कि आप जायसवाल को लेके आए, क्योंकि ये विकेट थोड़ा डिफिकल्ट है। जायसवाल खेलेगा मगर सुपर 8 से वो आएगा, टीम में आएगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से टीम एक सेट है कि हमको ये जो डिफिकल्ट विकेट्स हैं यहाँ पे हम विराट कोहली को जितने ज्यादा ओवर दे सकें, इसीलिए उनको उन्होंने रखा है ऊपर, नहीं तो वो नंबर 3 पे आराम से आ सकते हैं और वो खुशी से आएंगे नंबर 3 पे। लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग जहाँ जिन विकेट्स पे हम खेल रहे हैं वहां पे जायसवाल को सीधा सीधा डालना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं लग रही है टीम मैनेजमेंट को, इसलिए उन्होंने 2 एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी है, देखिए अक्षर पटेल का ऊपर आना वाज अ सरप्राइज, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि 2 लेफ्ट हैंडर्स के साथ हम मिडल ओवर्स निकाल सकते हैं, मिडल ओवर्स तक पहुंच सकते हैं रादर, वो भी एक ऑप्शन है। तो टीम में एक तो आप कह रहे हैं कि किसको लाना है, किसको ड्रॉप करना है, मेरे ख्याल से उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं इसमें, और वो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा। जी बिल्कुल, अभी जो मैच हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 रन से करारी शिकस्त दी, कई सारी मीम्स आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि टीम उतनी मजबूत स्थिति में है, इंडियन टीम? राजेश जी, नहीं बिल्कुल, हमारी टीम देखिए मैडम ऐसा है, हमारी टीम सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आप पूरा अगर आप डिपार्टमेंट देखें, स्पिन देखें, मीडियम बेसर देखें, बैटिंग लाइन देखें, सबसे बेस्ट टीम है हमारी अभी, और सबसे अच्छे फॉर्म में भी हमारी ही टीम चल रही है। लेकिन सवाल है कि जो वहां की पिचेस हैं वो थोड़ी सी नई है, मतलब उसको समझ के खेलना कि भाई आज ये पिच कैसे खेल रही है, उसको थोड़ा सा हम प्रॉब्लम ये हो गई है कि आईपीएल में हमने 200 रन 250 रन देख लिए हैं, तो थोड़ा सा हमारा माइंड सेट सबका 200 रन पे चला गया। नहीं, ये पिच जो है, ये पिच 150 रन 140 रन सफिशियंट है। आपने देखा कि अभी 2 मैच हुए, एक हमारा मैच हुआ, एक साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ कल, तो वो भी मैच लो स्कोरिंग हुआ और उसको डिफेंड करना इतना आसान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये है कि पिच के हिसाब से हमारी टीम बेस्ट है सभी पूरे टूर्नामेंट। और राकेश जी, आपको क्या लगता है, जो भी ये लो स्कोरिंग मैच रह रहे हैं, क्या पिच ही जिम्मेदार है या फिर रणनीति में चेंज करने की भी जरूरत है?
देखिए पिच तो जिम्मेवार है, लेकिन पिच जिम्मेवार क्यों है? क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई है फ्लैट विकेट्स पे खेल खेल, जहां जहां वेरिएबल यू नो लाइक बाउंस है, जहां बाउंस आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है, हम लोगों के पास अपने स्किल सेट्स बहुत लिमिटेड है, ये इससे सारे सारे बल्लेबाज एक्सपोज है। अगर आप देखें जिस अंदाज में, अगर आप वापस जाके इंडिया के जो जितने भी लोग पाकिस्तान के साथ आउट हुए थे, अगर आप उनको देखेंगे, उनको बाउंस समझ में नहीं आ रहा था, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर यू नो लाइक रविंद्र जडेजा हो, और इन दो विकेट्स के बीच में सारे विकेट्स आप ले लीजिए, बुमराह का विकेट भी ले लीजिए, आप आते ही आप बैट चला रहे हैं, आप बैट चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि बाउंस क्या है, उसका बॉल की ट्रैजेक्टरी क्या है, ये गलती तो है, लेकिन पिच तो सबके लिए सेम है। तो अगर आप कहें कि साहब मेरे पास वो स्किल सेट्स नहीं है कि मैं उससे डील कर पाऊं, तो सिर्फ एक तरफा तो नहीं देख सकते हैं कि साहब यू नो विकेट खराब है, विकेट का विकेट विकेट जैसी है वैसी है, ड्रॉप इन विकेट से आप ये उम्मीद करते हैं कि ये नॉर्मल विकेट जैसी नहीं खेलती है ये हमेशा, इसीलिए यहाँ लो स्कोरिंग है। और जैसे राजेश भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि एक चीज है कि हमको ये 200-250 की आदत पड़ गई है, माइंडसेट वैसा बन गया है हमारा, अब हम देख रहे हैं हमारा एवरेज स्कोर यहाँ पे आ रहा है 100-110 एवरेज स्कोर। अब इस पे लो स्कोरिंग मैचेस हैं, लोगों को मतलब इंटरेस्ट भी है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि 150-160 के मैचेस नॉर्मली T20 में अच्छा स्कोर, एक अच्छा मैच हमको देखने को मिलता है, बहुत लो स्कोरिंग हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट है, ऐसे मैचेस भी होंगे। और अगर आप ये भी देखें, सुपर 8 में आपको शायद ऐसे मैचेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां स्पिनर्स भी आ जाएंगे, थोड़े रन भी ज्यादा लगेंगे वहां पे, लेकिन हाँ ये जब तक ये वाला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जो हमको देख रहे हैं यूएस में ड्रॉप इन विकेट्स पे, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा चेंजेस की भी जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वी आर ओवरथिंकिंग, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, बैटिंग नहीं हो रही है, हमसे रन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दूसरों से भी नहीं हो रहे रन, तो ये हम बहुत ऑब्जेक्टिवली देखें इस चीज को, बहुत हार्श होने की जरूरत है। T20 विश्व कप 2024 में सोमवार को खेले गए इकलौते मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया, लेकिन जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हेनरिक ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप डी मैच में बांग्लादेश पर 4 रन की जीत पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने स्वीकार भी किया कि उनकी टीम ने 10 रन कम बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्लासेन ने भी अच्छी उम्दा पारी खेली, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो डेविड मिलर भी अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए, उनकी साझेदारी भी अच्छी रही और आखिरकार 113 रन बनाने में वो सफल रहे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश राव जी और राजेश चौहान जी। राजेश जी, कल के मैच में जो सबसे यादगार लम्हा था आपके लिए, वो क्या रहा? नहीं, यादगार लम्हा देखिए, जब स्कोर साउथ अफ्रीका की टीम मेरे ख्याल से कुछ 20-21 रन के आसपास 3-4 विकेट हो गए थे उनके, और वो स्ट्रगल कर रही थी, तो हम जो हमारा मैच याद आ गया, क्योंकि हम भी स्ट्रगल किए थे और 100 रन था तो हम 119 रन डिफेंड हुए थे, तो हम बात वही हो रही थी कि भाई अगर ये 100 रन बना लेते हैं, एक एक अगर पार्टनरशिप हो जाते तो। क्लासेन का मुझे पूरी IPL की पूरी इनिंग याद आ गई कि क्लासेन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और वो अच्छे फॉर्म में, और वही हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की वहां। लेकिन जो इस पूरे उसमें ये था कि इस मैच को देखना कि भाई 106 रन को 100 कैसे डिफेंड होता है, कैसे इस मैच में जीता जा सकता है, प्लानिंग क्या हो सकती है, ऐसे पिचों पे बॉलिंग क्या हो सकती है, बॉलर क्या कर सकते हैं। पहली बार हुआ है T20 में कि शायद बॉलरों को देखने में और बॉलरों को बॉलिंग करने में भी मजा आ रहा है कि भाई ये हमारे फेवर की चीजें हैं, लाइए हम अपनी 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 हमारी जो क्लास है उसको हम दिखाएं, और ये चीज अच्छी बात भी है। हम अभी बात कर रहे थे अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल ने भी जो अपने ओवर डाले, 3 ओवर डाले उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छे ओवर डाले, ये बेनिफिट ऑफ द टीम था। तो ये कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि कभी बैट्समैन तो कभी बॉलर, लेकिन यस इस पूरे मैचेस में बॉलर जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं या बॉल डाल रहे हैं, वो देखने में बड़ा आनंद है। राकेश जी, आपको क्या लगता है ये पिच की वजह से हो रहा है जो बॉलर में ये टक्कर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मतलब कि देखिए हो क्या रहा है कि बैटर के दिमाग में ये आ गया है कि उनको ये पता नहीं लग रहा है किस बॉल पे कौन सा शॉट लगाना है, क्योंकि बाउंस जो है वो वेरिएबल, जैसे हम जैसे मान के चलते हैं कि एक स्टेडी बाउंस होता है, जैसे कि आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा कि आपको पता है कि ये बॉल इस साइड से ऊपर नहीं आ रहा है, आप पैर आगे निकालेंगे, बल्ला बिल्कुल लाइन में अगर आपने बल्ला घुमा दिया, हो सकता है कि बैट के किसी भी हिस्से पे लगे, क्योंकि आजकल के जो इक्विपमेंट है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, बॉल आपको छक्के पे दिखती है, वो बॉल बाहर जाके गिरती है।
कल या फिर अगर आप ये देखें चाहे वो न्यूयॉर्क हो या यू नो जो दूसरा जो लाइक वेन्यू है डैलस में जो वेन्यू है, ये दोनों वेन्यूज अगर आप देखें, यहाँ पे दोनों टीमें जैसे हम बात करें कल के मैच की, चाहे वो बांग्लादेश हो या आपके लिए साउथ अफ्रीका हो, ये दो टीमें, इन दोनों टीम्स का अगर आप रन देखें कि 113 तो उनका हाईएस्ट स्कोर था कल, इससे पहले के दो मैचेस में उन्होंने 113 भी उनको या तो उतने रन उनको चेस करने की जरूरत नहीं पड़ी या फिर बड़ी मुश्किल से वहां तक बने। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पावर प्ले में आपके 25-30 रन ही बनते हैं और आईपीएल में हमने 125 रन भी बनते देखा है 6 ओवर में, तो आपको वो जो हम तो ये बात कर रहे थे कि एक शिफ्ट है माइंड में कि हम लोग कैसे मतलब खेल रहे हैं, बैटर के ऊपर जो प्रेशर अभी है, ये प्रेशर कभी कभी आना भी चाहिए और ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये हम जो यू नो यूएस वाला लेग देख रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है कि बोलर्स अभी बड़े हावी हो रहे हैं और आगे चल के शायद ये देखने को मिले कि स्पिनर्स और ज्यादा जो है इफेक्टिव हो जाएंगे। अभी हमें फास्ट बोलर ज्यादा दिख रहे हैं और स्पिनर्स के वो 8 ओवर 4 ओवर 6 ओवर ये आपको दिख रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं अभी आपको। जैसे कल भी हमने देखा केशव महाराज ने जैसे आके गेम को रोका है, पकड़ा है उनको सब यू नो, और बांग्लादेशी स्पिन अच्छा खेलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खेल सकते। कल जीता हुआ मैच उन्होंने छोड़ दिया, श्रीलंका के साथ भी बांग्लादेश को 94-3 125 रन आपको चाहिए जीतने के लिए, आप 113 पे 8 हो गए। तो ये भी मतलब देखिए पैनिक हो रही है टीम्स जब उनको दिखते हैं कि फिनिश लाइन सामने है, फ्रीज हो रही है टीम्स। पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ कल, हमने देखा बांग्लादेश का यही हाल। मुकाबला बेहद रोमांचक भी रहा। शुक्रिया आपका राकेश जी, राजेश जी, इस बेहद ही इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए। तो मैच अभी जारी है और उम्मीद यही है कि भारत ये वर्ल्ड कप अपने नाम जरूर करे। और चलिए अब आपके लिए एक खास सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इनकम टैक्स की मानक छूट बढ़ाई जानी चाहिए? तो बस स्कैन करिए स्क्रीन पर नजर आ रहा ये QR कोड और भेजिए हमें अपना जवाब।